नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मालपानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। दोस्तों, हमने एक छोटी सी सीरीज चालू करी है जहां पर हम बात कर रहे हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड द्वारा लाए गए अमेंडमेंट्स की, जो कि आए थे 18 सितंबर 2023 को। पिछले वीडियो में हमने रेगुलेशन 2D के बारे में बात करी थी। इस बार हम बात करेंगे रेगुलेशन 3A के बारे में, जो CRP प्रोसेस में लाया गया है। हम इन रेगुलेशंस के बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, इसके प्लस और माइनस यानी कि प्रोस एंड कॉन्स दोनों देखेंगे। अब रेगुलेशन 3A जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ने ऐड किया है, वो ये है कि जब भी एज एन RP या IRP किसी कंपनी को आप टेक ओवर करते हैं, तो आपको उनके मैनेजमेंट से लिस्ट ऑफ असेट्स लेनी है, और लिस्ट ऑफ असेट्स लेने के बाद उनको आइडेंटिफाई करना है। मैनेजमेंट यहाँ पर की पर्सनल भी है, विच इंक्लूड्स डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, मे बी अदर इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ द कंपनी। आपको उनसे वहाँ की लिस्ट लेनी है और उसको आइडेंटिफाई करना है। अब ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट कई बार नॉन कोऑपरेशन करता हो, लिस्ट ना दे, तो आपको वो लिस्ट अपने स्तर पे आइडेंटिफाई करनी है। वो कहाँ सा अपने स्तर हो सकता है, जैसे कि बैलेंस शीट या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो पब्लिक डोमेन में हो। आपको वो लिस्ट लेनी है और अपने स्तर से उसको आइडेंटिफाई करना है असेट्स को, और एक लिस्ट ऑफ असेट्स बनानी है। अब जब भी आप लिस्ट ऑफ असेट्स बनाएंगे, उसके बाद आप दो जनों से उस पर विटनेस के तौर पे साइन कराएंगे। वो विटनेस ना तो आपके होने चाहिए ना फिर कॉरपोरेट डेटर के होने चाहिए। अब इससे होगा क्या? देखिए, जब भी हम किसी कंपनी का टेक ओवर लेने जाते हैं, तो हमारे पास या तो मैनेजमेंट कोऑपरेट करता है या नहीं करता है। अगर कोऑपरेट कर रहा है, बहुत अच्छा, उसने सारी लिस्ट ऑफ असेट्स हमें दी, हमने आइडेंटिफाई कर दी, और उन्हीं के स्पेसिफाइड पर्सन को हम हैंड ओवर कर देते हैं। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर को हम प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन की चीज़ें दे देते हैं, CFO को हम उनके अकाउंट्स की डिटेल दे देते हैं, मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग की चीज़ें दे देते हैं, और उनसे साइन करवा लेते हैं कि भाई ये असेट्स हमने आपको काम करने के लिए दी हैं। दिक्कत तब आती है जब मैनेजमेंट या की पर्सनल हमें वो चीज़ें देने से मना करता है या लिस्ट ही नहीं देता है। तो जब RP अपने स्तर से वो लिस्ट निकालता है, तो वो आइडेंटिफाई करेगा, और जो लिस्ट उन्हें लिस्ट ऑफ असेट्स नहीं मिली है, उसको भी आइडेंटिफाई करेगा। अब आपके पास दो तरह की लिस्ट आ गई, पहली वो जो आपको आइडेंटिफाइबल है, दूसरी वो जो आपको आइडेंटिफाइबल नहीं है। तो जो आइडेंटिफाइबल नहीं है, आप मैनेजमेंट के अगेंस्ट सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। उसमें टोटल असेट डालिएगा, जो असेट आइडेंटिफाइबल है वो भी बता दीजिए, जो आइडेंटिफाइबल नहीं है वो भी बता दीजिए, और ऑनरेबल NCLT के सामने ये प्लीड कीजिए कि ये असेट्स मुझे इनको दिलाई जाए। ये लिस्ट ऑफ असेट्स आपको तब भी हेल्प करेगी जब आप सेक्शन 70 की एप्लीकेशन लगाएंगे, यानी कि मिसकंडक्ट ऑफ द कॉरपोरेट डेटर, जहां पर कॉरपोरेट डेटर को पनिशमेंट भी भुगतना पड़ सकता है। अब ये समझें कि इस अमेंडमेंट से आपको फायदा तो है कि जब भी आप नॉन कोऑपरेशन की एप्लीकेशन लगाएं, तो आपको तुरंत चीजें आइडेंटिफाइबल हो जाएं, पर एज एन RP और IRP आप मानिएगा, इससे आपका काम बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि जो भी असेट्स हैं वो आपको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि जितनी भी असेट्स हैं उनको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आइडेंटिफाई करें और प्रॉपरली विटनेस के साइन करें। आई होप ये अमेंडमेंट भी आपको साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करिए और समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।